गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या लाइनेक्स में टीपुट कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो टीपुट कमांड का जो पहला यूज़ है वो है टीपुट क्लियर कमांड विल क्लियर द स्क्रीन एंड पुट यू एट द टॉप ऑफ द टर्मिनल स्क्रीन। तो टीपुट कमांड के साथ जब हम क्लियर ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो टीपुट क्लियर कमांड क्या करता है, स्क्रीन पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको क्लियर कर देता है और आपको टर्मिनल स्क्रीन के टॉप पर ले जा कर के छोड़ देता है। तो इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के टाइप करना है टीपुट क्लियर और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है। तो आइए करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है टीपुट क्लियर कमांड क्या करता है, स्क्रीन पे जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है उसको क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले हम कुछ डिस्प्ले करा लेते हैं, तो कोई कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने डेट कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, हु कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जो डिस्प्ले है इसको मैं जो है क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए टी पुट क्लियर कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो टी पुट क्लियर कमांड को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, अब एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा और टर्मिनल स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर ले जाएगा। तो ये इसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया और टर्मिनल स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर ला करके इसने छोड़ दिया। तो ये था टीपुट क्लियर कमांड का यूज़। अब जो है टीपुट कमांड का दूसरा यूज़ देखते हैं क्या है। तो टीपुट कमांड इज़ यूज टू चेंज द टर्मिनल बैकग्राउंड कलर यूजिंग सेट बी कमांड। तो टीपुट कमांड का दूसरा जो यूज़ है वो है टर्मिनल बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। तो टर्मिनल बैकग्राउंड कलर को अगर चेंज करना है तो इसके लिए सेट बी यानी कि सेट बैकग्राउंड कमांड को यूज़ करेंगे टीपुट कमांड के साथ। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टीपुट टाइप करेंगे इसके साथ सेट बी यानी कि सेट बैकग्राउंड ये टाइप करेंगे और 1 से लेकर के 9 तक के न्यूमेरिकल वैल्यू में कलर होते हैं। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो उस वैल्यू पे जो भी कलर होगा वो आपका टर्मिनल बैकग्राउंड का कलर बन जाएगा। तो इसको जो है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, टी पुट कमांड को टाइप करूँगा सेट बी, सेट बैकग्राउंड कलर के लिए सेट बी, और जो है 1 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो 1 पे जो भी कलर होगा वो टर्मिनल बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। तो एंटर प्रेस कर दिया मैंने तो टर्मिनल का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया। तो 1 पे ब्लू कलर है इसलिए ये ब्लू हो गया। अब टी पुट सेट बी टू, टू को मैंने यहाँ पे रखा तो टर्मिनल का जो है बैकग्राउंड कलर रेड हो गया क्योंकि 2 के ऊपर रेड कलर ऑलरेडी सेट है। इसके बाद टी पुट सेट बी थ्री, तो 3 के ऊपर ये वाला कलर है और इसी तरीके से जो है टी पुट सेट बी 6 कर लेते हैं तो 6 पे ये कलर है। इसके बाद जो है टी पुट सेट बी 7, 7 के ऊपर ये कलर है और टी पुट जो है सेट बी 9, 9 पे आपका नॉर्मल कलर है जो पहले आ रहा था। तो इस तरीके से टर्मिनल के बैकग्राउंड कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो टी पुट क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो
ये था टीपुट कमांड का दूसरा यूज। अब देखते हैं कि टीपुट कमांड का तीसरा यूज क्या है। तो टीपुट कमांड इज यूज टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द टर्मिनल स्क्रीन। तो अब टर्मिनल स्क्रीन के फोरग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना है टीपुट सेट एप। सेट एप का मतलब सेट फोरग्राउंड कलर, और वही फिर 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू पे जो भी कलर होगा वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए टीपुट और सेट एफ, एफ का मतलब फोरग्राउंड कलर और 1, तो यहाँ पे जो है आपका जो है फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो गया। कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। डेट कमांड को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, तो अब ये डेट कमांड के बारे में जो कुछ भी आ रहा है ये ब्लू कलर में आ रहा है। मुझे कोई और कलर देना है तो टीपुट सेट एफ 2, 2 पे आपका ये कलर है। टीपुट सेट एफ 3, 3 पे आपका ये कलर है। टीपुट सेट एफ जो है 8, 8 पे आपका वही कलर है। टीपुट सेट एफ 9, 9 पे आपका नॉर्मल कलर है। तो इस तरीके से हम जो है टेक्स्ट का जो है फोरग्राउंड कलर या टेक्स्ट का या जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई करके। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो टीपुट क्लियर कमांड से इसको क्लियर करते हैं। ये कर दिया मैंने। तो ये था टीपुट कमांड का थर्ड यूज। अब जो है टीपुट कमांड का फोर्थ यूज देखते हैं क्या है। तो इट इज यूज टू गेट टेक्स्ट इन द टर्मिनल बोल्ड। तो फोर्थ यूज जो है टीपुट कमांड का वो ये है कि टर्मिनल पे यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जो भी कमांड एग्जीक्यूट करें उसका जो भी रिजल्ट डिस्प्ले हो वो रिजल्ट हमेशा बोल्ड में आना चाहिए। तो इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टीपुट कमांड को टाइप करके बोल्ड कमांड को टाइप करना है, और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है। तो जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बोल्ड में डिस्प्ले होगा, और हम चाहते हैं कि वापस वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, नॉर्मल डिस्प्ले हो जाए पहले की तरह, बोल्ड में डिस्प्ले को ना दिखाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, टीपुट कमांड के साथ SGR 0 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो डिस्प्ले को बोल्ड में जो है हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है टीपुट कमांड को टाइप करेंगे टीपुट, इसके बाद बोल्ड और एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैंने डेट कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो जो भी डिस्प्ले आया वो बोल्ड में आया। हु कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, यूनिक्स में हु एक कमांड है, तो मैंने हु कमांड को यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट किया है, ये कर दिया मैंने। तो जो भी रिजल्ट आया वो बोल्ड में आया। तो इस तरीके से हम किसी भी रिजल्ट को बोल्ड में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब वापस चाहते हैं कि नॉर्मल डिस्प्ले हो जाए जैसे पहले डिस्प्ले करता था, जैसे पहले शो रिजल्ट जैसे पहले शो होता था वैसे शो करना है मुझे। तो इसके लिए जो है टीपुट कमांड को टाइप करके SGR और 0 टाइप करना है और एंटर प्रेस करनी है। अब मैं कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो अब ये वापस नॉर्मल मोड में आ गया। तो इसको अब हम क्लियर कर लेते हैं। तो टीपुट क्लियर कमांड से क्लियर करेंगे, तो ये क्लियर हो गया स्क्रीन। तो इस तरीके से हमने देखा टीपुट कमांड का फोर्थ यूज। अब जो है टीपुट कमांड का फिफ्थ यूज देखते हैं क्या है।
तो इट इज़ यूज टू ब्रिंग द टेक्स्ट इन अंडरलाइन मोड इन द टर्मिनल। तो टर्मिनल पे अब मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी डिस्प्ले हो वो अंडरलाइन मोड में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे टीपुट कमांड को टाइप करके एसमल टाइप करूँगा तो वो अंडरलाइन में शो करेगा, जो भी डिस्प्ले आएगा वो अंडरलाइन मोड में डिस्प्ले आएगा और मुझे उसको वापस नॉर्मल मोड पे ले जाना है, तो इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे टीपुट टाइप करके आर मल को टाइप करना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है टीपुट कमांड के साथ मैंने एस मल को टाइप किया, तो ये अब यहाँ पे कोई भी कमांड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये अंडरलाइन में शो करेगा। ये अब मैं हु कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये अंडरलाइन में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिस्प्ले को हम जो है अंडरलाइन में भी जो है कर सकते हैं। अब मुझे वापस नॉर्मल मोड पे ले जाना है तो इसके लिए टीपुट कमांड को टाइप करके आरमल टाइप करनी है और एंटर को प्रेस करना है, तो ये मैंने प्रेस कर दिया तो नॉर्मल मोड पे आ गए। तो अब जो है इसको क्लियर कर लेते हैं, तो टीपुट क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर लेते हैं, तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने टीपुट कमांड का जो है पांच तरीके से यूज़ करके देखा, तो ये था टीपुट कमांड के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।